जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव खरे में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी भगवत गीता वाली सीरीज। आज का टॉपिक है चैप्टर 14, मतलब गुण त्रय विभाग योग। तीन मुख्य बातें हैं जो मैं आज आपसे करूंगा। पहला, क्या है इस चैप्टर की समरी। दूसरा, इस चैप्टर से मेरा फेवरेट श्लोक कौन सा है। तीसरा, इस चैप्टर की इम्प्लीकेशंस क्या है मॉडर्न डे लिविंग पर। तो चलो कूदे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो भी ह्यूमन पर्सनालिटी है, वो बनते हैं तीन अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनके कॉम्बिनेशन से, उनके डायनेमिक्स से। पहला है तामसिक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है सात्विक। मतलब अगर देखा जाए तो 5000 साल पहले के हिसाब से गीता कितनी एडवांस, कितनी साइंटिफिक, कितनी मॉडर्न है, क्योंकि यही जो सारे जो गुण हैं इसको अब साइंस में किसी और तरह से बोला जाता है। तो अगर इसको फिर से रिपीट करें अगर, तो जो तामसिक है वो क्या है, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, मतलब ईर्ष्या है, किसी से बदला लेने का की इच्छा है, अच्छे कामों से दूर भागने की इच्छा है, ये सब तामसिक है। मतलब तामसिक मतलब ब्लैक शेडोई कर तरह का। तो अगर ये आपकी आत्मा पे जो तामसिक जब शक्तियाँ कब्जा कर लेती हैं तो आप नेगेटिव चले जाते हो। राजसिक है ऑल एवरीडे डिज़ायर्स वगैरह की, आपके मन में जो इच्छाएँ हैं, जिस तरह की जो भूख है, उन सारी चीज़ों को राजसिक जो शक्तियाँ हैं वो कहते हैं। और फाइनली है सात्विक। सात्विक इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी, नॉलेज की अगर परस्यू करना चाहते हो तो वो जो शक्तियाँ हैं, या फिर पर ब्रह्म की जो अनुभूति अगर आप करना चाहते हो तो वो सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सब कहलाती हैं सात्विक। अब इसको सारी चीज़ों को, इन जो डिफरेंट तरह के जो तीन फोर्सेस हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी पर्सनालिटी को कवर करते हैं, उसी को त्रिगुणित ज्ञाता बोलते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण भगवान के करीब जा पाता है या कृष्ण भगवान को समझ पाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इस चैप्टर से मेरा फेवरेट श्लोक क्या है, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ। सो इट गोज समथिंग लाइक, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगशु जायते तथा प्रलिनस्त मसी मूढ़ योनिषी जायते। अर्थात जिसके जिस तरह के कर्म होते हैं, जिसका जिस तरह का स्वभाव होता है, उसको उसी तरह के प्रसाद मिलते हैं अगले जन्म में। मतलब अगर आपके तामसिक अगर गुण हैं और आपके कर्म तामसिक हैं, तो आप अगले जन्म में जो आप होगे वो कीड़े मकौड़े या इस तरह के जो जहरीले जो जीव जंतु होते हैं उनकी तरह आप जन्म लोगे। अगर आपके डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए हैं और राजसिक अगर आपकी जो तरीका है, आपका जो स्वभाव है वो राजसिक है, तो आप वापस जन्म लोगे एक मनुष्य की तरह। और ताकि आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर लो या जैसा भी, बट पॉइंट ये है कि आप फंसे रहोगे जीवन मरण के चक्र में। और अगर आपकी प्रकृति और अगर आपके कर्म सात्विक हैं तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। और हिंदू धर्म में मोक्ष है एक अल्टीमेट हमारा एम। सो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसको प्राप्त कर लेता है, उसको मोक्ष प्राप्त करना कहलाता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, मॉडर्न डे इम्प्लीकेशंस क्या हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी व्यक्ति सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, उसको महान बनना पड़ता है अभ्यास से, प्रैक्टिस से, अपने प्रयत्नों से, स्ट्रगल करके। अगर आप अपने अंदर के जिस गुण, हर व्यक्ति के अंदर तीन गुण हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, अब आप जिस फोर्स को फीड करोगे वही फोर्स स्ट्रांग होगा। जिसको ज़्यादा खाना खिलाओगे, अपनी ऊर्जा दोगे, वही स्ट्रांग होगा। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि जो तामसिक जो आपके अंदर के जो पार्ट है, मतलब जो घर में बहन से जेलस हो जाती है, पड़ोसी से जेलस हो जाते हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और व्हाट नॉट, उन सब चीज़ों से दूर रखिए।
अगर कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिज़ायर को, गीता का तो लक्ष्य यही है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, तो राजसिक जो फोर्सेस हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि जितना मीठा खाओगे, मीठा खाने की आपकी जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती और बढ़ती जाती है, एंड देन ऐसे में होता यह है कि फाइनली डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। सो हर चीज़ कंट्रोल में रखो, हर चीज़ बैलेंस में रखो, और कोशिश करो जितना से ज़्यादा अपना जो फोकस है वो सात्विक जो फोर्सेस हैं उनको फीड करने में, मतलब ज्ञान अर्जन करने की तरफ अगर अपना लक्ष्य रखोगे तो वो मिल ही जाएगा। दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट कर हमें बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ इस शो में। धन्यवाद। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया।